हेलो भाई, आज मैं कराने वाला हूँ आप लोगों को होम टेरेस गार्डन का फुल टूर, जिसमें आज आपको मैं अपने होम टेरेस गार्डन के सभी प्लांट्स दिखाऊंगा और कुछ उनकी जानकारियाँ भी दूंगा। चलते हैं होम टेरेस गार्डन में। गाइज, सबसे पहले सदाबहार का प्लांट्स है, उसके साथ मैरीगोल्ड का प्लांट्स है, और उसी के साथ में ये मोगरा का बहुत ही सुंदर प्लांट्स है, और बहुत ही इसमें शाखाएँ इसमें बहुत ही ज़्यादा हो रखी है, और रूट्स भी अब बहुत ही ज़्यादा इसमें आ गई है, जो कि अब फ्लावरिंग भी 10 से 15 दिन के अंदर में फ्लावरिंग भी देगा। भी है बहुत ही अच्छे से, देखिए कितना कितनी अच्छे से रूटिंग इसमें स्टार्ट है, और बहुत ही ज़्यादा इसमें शाखाएँ भी है। नेक्स्ट गाइज, ये स्नैक्स का प्लांट है, और इसमें भी बहुत सारी शाखाएँ ब्रांचेज है, और बहुत ही अच्छी तरह ग्रोथ भी कर रहा है प्लांट्स। इसी के साथ मैंने टमाटर का प्लांट लगाया हुआ है, और टमाटर पे देखिएगा तो टमाटर भी बहुत ही अच्छे से टमाटर भी आए हुए हैं, और टमाटर भी हेल्दी प्लांट्स हैं। गाइज, नेक्स्ट गमले में मैंने ये मैरीगोल्ड का प्लांट्स लगाया हुआ है, और इसी के साथ मैंने रेन लिली के प्लांट्स लगाए हुए हैं, रेन लिली जो कि इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग होती है, और ये अभी बस इसमें रूट्स भी निकलने स्टार्ट हो गई है। आज मैंने 12 इंच के गमले में लगाए हुए हैं सभी प्लांट्स, ये देखें। नेक्स्ट गाइज, ये एयर प्योर प्लांट है, एयर प्योरीफाई, और इसी के साथ मैंने टमाटर के और मैरीगोल्ड के प्लांट्स लगाए, जिसमें कि मैरीगोल्ड बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग दे रहा है, बहुत ही प्यारे वाले फ्लावर्स है, और ये एयर प्योरीफाई प्लांट्स है, ये भी मैंने 12 इंच के गमले में लगाए हुए हैं मल्टीपल प्लांट्स। नेक्स्ट गाइज, मैंने गुलदावरी का कटिंग किया हुआ प्लांट लगाया था, कटिंग करके जो कलम के द्वारा तैयार किया है, और ये भी अच्छे से ग्रोथ करने लगा है, और ये 4 इंच के गमले में लगाया हुआ है। इसी के साथ मैरीगोल्ड 4 इंच के गमले में, ये भी मैरीगोल्ड का ही है 4 इंच के गमले में, ये मैंने कटिंग से गुलदावरी का किया है कटिंग, और ये भी अच्छे से अब चल गया है कटिंग। इसी के साथ ये गुलदावरी है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज निकली हुई है, और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये भी 4 इंच के गमले में लगाया है मैंने। इसी के साथ मैरीगोल्ड के मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए, जो कि वेस्टेज डब्बे होते हैं प्लास्टिक वगैरह, उसमें यूज करके भी लगाए हुए मैंने, और मैरीगोल्ड के 4 इंच के गमले में भी लगाए हुए हैं। सदाबहार का प्लांट्स, ये देखिए सदाबहार। नेक्स्ट गाइस, ये मैंने टूटी हुई बकेट यूज की हुई है, इसमें मैंने टमाटर के बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, और टमाटर भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से ग्रोथ है, ग्रोइंग है इसकी। नेक्स्ट गाइस, ये सदाबहार का प्लांट है, इसकी भी बहुत सारी रूट्स निकली हुई है, और 4 इंच के गमले में मैंने लगाया हुआ है सदाबहार। और ये चमेली है जो धूप में खिलती है, ये इधर टमाटर है, बहुत ही अच्छे से टमाटर भी आए हुए हैं, और साथ ही में इसमें प्लांट्स भी लगे हुए हैं बहुत सारे मैरीगोल्ड वगैरह के। और इसी के साथ मैंने एयर प्योरीफाई का प्लांट भी लगाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छे से रूटिंग किया हुआ है और इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट गाइज, देख कितना अच्छा प्यारा प्लांट है, ये भी एयर प्योरीफाई प्लांट है, और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट गाइज, कड़ी पत्ता का प्लांट लगाया हुआ है, और कड़ी पत्ते पे मेरे ये देखिए फूल आने स्टार्ट हो गए हैं, ये छोटे से पे ही बहुत ही प्यारा फूल फ्लावर्स आया हुआ है, देखिए ये देखिए कितना अच्छा कितना प्यारा लग रहा है फ्लावर्स, और इस पर छोटे से पे ही ये 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है मैंने भी, और छोटे से प्लांट पर ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है इस पर भी। गाइज, ये रेन लिली का प्लांट है, और इसे 4 इंच के गमले में लगाया हुआ है, बहुत सारी शाखाएं इसमें निकली हुई है, और इसमें पिंक कलर के येलो कलर के फूल आते हैं। साथ ही इसमें 4 इंच के गमले में मैंने गुलदावरी का लगाया, और गुलदावरी की शाखाएं देखें बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेज निकली हुई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये नेक्स्ट कड़ी पत्ता का ही है, और ये अभी स्टार्ट हो गया है इसमें भी रूटिंग, और ग्रो कर रहा है ये भी। इसके साथ साथ मैंने एक और रेन लिली का लगाया हुआ है, ये रेन लिली का ही है,
और इसके साथ ये मैरी गोल्ड भी है। गाइज मैंने टोकरी में पुदीना लगाया हुआ है जो कि सैलेड वगैरह में काम आता है और चटनी वगैरह में, और ये टूटी हुई टोकरी में मैंने यूज किया हुआ है वेस्टेज, और बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है। देखो नेक्स्ट गाइज ये देखिए कितना बड़ा प्लांट है, और बहुत ही प्यारा प्लांट होया है। ये चाइनीज रोज है और टमाटर का प्लांट है, इसके साथ चाइनीज रोज में नई नई ब्रांचेज स्टार्ट हो गई है। और टमाटर इससे भी बड़ा हो गया है, देखो कितना बड़ा टमाटर इससे ऊपर निकल गया है, कितनी हाइट हो गई टमाटर की पेंट की, तकरीबन दो फीट से ज़्यादा की हाइट टमाटर के पेड़ की प्लांट्स की हो गई है। गाइज नेक्स्ट मैंने मैरीगोल्ड और टमाटर और कनेर का प्लांट लगाया हुआ है, जो कि कनेर का प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हाइट है, तकरीबन 6 फीट से उबाऊ है, और इसमें भी अब नेक्स्ट रूट और फ्लावर्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए फ्लावरिंग और स्टार्ट हो गई है, और 10 से 15 दिन के अंदर में इसमें फ्लावर्स आ जाएंगे। बहुत ही प्यारा, सभी में ऐसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट गाइज मैरीगोल्ड का प्लांट है, और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग दे रहा है, बहुत ही सुंदर गर्मी का प्लांट्स है ये सभी, गर्मी में मैंने ग्रो किया है ये सीड्स के द्वारा, जितने भी मैरीगोल्ड के प्लांट है सभी गर्मी के हैं अब, और गर्मी के लिए मैंने ग्रो किया है। इसी के साथ गाइज ये कितना सुंदर रेड कलर में और फ्लावरिंग दे रहा है छोटे से में ही प्लांट्स में, ये भी मैंने सीड्स के द्वारा तैयार किए हैं और बहुत सारे मैंने लगाए हुए हैं। गाइज एयर प्योरीफाई प्लांट, और ये गुड़हल का प्लांट है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है अब, देसी गुलाब, और इसमें भी नई नई ब्रांचेज स्टार्ट है। नेक्स्ट गाइज मैंने फिर टमाटर के लगाए हुए, टमाटर के मैंने बहुत सारे लगाए हुए प्लांट्स, और इसमें सब में टमाटर्स लगने स्टार्ट हो गए हैं, और इसी के साथ ये देखिए क्रिसमस जो पेड़ होता है वो बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही हाइट हो गई है, तकरीबन 6 फीट की हाइट के करीब ये भी ग्रो कर रहा है। गाइस ये नेक्स्ट पॉट में मैंने 12 इंच गमले में ही टमाटर और जैस्मिन येलो और वाइट के लगाए हुए, ये देखिए येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग दे रहा है। और साथ ही गाइज मैंने कुछ सब्जियां भी उगाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पालक है, और ये पालक मैंने टब में टूटे हुए टब में जो कबाड़े को हमें देना था, और इसमें मैंने यूज किया है इसको, और इसमें बहुत ही अच्छे से पालक ग्रो कर रहा है, देखिए कितना, और इसमें 2 बार मैंने हार्वेस्ट भी कर लिया है, और इसी के साथ मैंने दूसरे में भी यूज किया हुआ है दूसरा टब भी, और इसमें भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है पालक, ये दोनों टब में से मैंने 2 बार हार्वेस्टिंग कर ली है, अब ये 3री बार हार्वेस्ट के लिए तैयार है। और इसी में दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको, ये गन्ना मैंने लगाया था इसमें, और ये गन्ना अब निकलना स्टार्ट हो गया है, और इसकी रूट्स ये देखे गन्ने की बहुत ही अच्छे से मैंने गन्ना लगाया था इसमें गन्ने की पोरी, और गन्ना बहुत ही अच्छे से इसमें निकल गया है। नेक्स्ट गाइज ये कमेलिया का प्लांट्स है, और कमेलिया का इस पर फूल भी आए हुए बहुत सारे, और अभी कुछ कलियां भी है कुछ बन रही है, साथ में ये रहा सेकंड प्लांट इसका, और इस पर भी रूट्स और नई नई कलियां बराबर है। मैरीगोल्ड का सीड्स के द्वारा प्लांट्स तैयार,
और वेस्टेज बोतल वगैरह भी मैंने बहुत सारी यूज की हुई है जो कि प्लांट्स में लगाई है सभी मैरीगोल्ड के लिए। येलो में ये डेलिया का प्लांट्स है और इसमें भी नई नई ब्रांच अब स्टार्ट हो गई है। ये सेकंड डेलिया का प्लांट है। डेलिया का प्लांट्स पे बहुत अच्छा फ्लावर्स आता है, पिंक में, येलो में, रेड में और ऑरेंज में, सभी कलर्स में होता है ये। और जो मैंने लगाया हुआ है पिंक और रेड कॉम्बिनेशन का लगाया हुआ है दोनों, ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग देगा अभी क्योंकि इसमें रूट्स स्टार्ट हो गई है अच्छी अच्छी। गाइज नेक्स्ट ये मैरीगोल्ड के प्लांट्स है, ये देखिए कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसमें अभी फ्लावरिंग आ जाएगी। नेक्स्ट ये मैंने मैरीगोल्ड और प्लस टमाटर के लगाए हुए, ये देखिए कितने अच्छे से टमाटर आए हुए इसमें। ये देखिए टमाटर, नेक्स्ट भी मैंने टमाटर का ही है गमले में यूज किया है और टमाटर इस पे ये आए हुए। गाइज ये चमेली है और ये दिन में इसमें बहुत अच्छे पिंक, रेड, वाइट, येलो सभी प्रकार के इसमें फ्लावर्स आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। अभी गर्मी में स्टार्ट हो जाएगा इसमें और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है ये। ये भी मैंने 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है। इसी के साथ मैंने मैरीगोल्ड्स के सीड्स के द्वारा जो प्लांट तैयार किए हैं ये देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और ये एयर प्योरीफाई प्लांट है। ये देखिए मैरीगोल्ड के प्लांट्स येलो और रेड में और गमला ऑरेंज का है, ये मैंने 16 इंच के गमले में लगाया हुआ है। नेक्स्ट गाइस ये मैरीगोल्ड के प्लांट्स है और इसी के साथ मैंने मोगरा के प्लांट्स भी लगाया हुआ है। मोगरा के प्लांट्स में नई नई ब्रांचेज और नए नए रूट्स खिलने स्टार्ट हो गए हैं ये देखिए, और ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये इसकी बेल्स बन गई है पूरी और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसी के साथ मैंने कृष्णकांता की बेल भी लगाई हुई है और कृष्णकांता की बेल में भी नई रूट्स स्टार्ट हो गई है। ये फिर मैंने एयर प्योरीफाई प्लांट लगाया हुआ है और ये भी बहुत अच्छे से, इसमें देखो नीचे कितनी ब्रांचेज हो गई है और ऊपर भी बहुत ही सुंदर लगा हुआ है। गाइस मैंने मैरीगोल्ड के प्लांट हर गमले में यूज किया हुआ है मैरीगोल्ड को क्योंकि मैंने सीड्स के द्वारा तैयार किया और मल्टीपल हो गए हैं मेरे पास। ये गुलदावरी का है और ये गुलदावरी और प्लस मैरीगोल्ड का इसमें सीड्स मैंने गिर डाला था तो सीड्स के द्वारा सभी प्लांट्स हो गए हैं। और ये मैंने 16 इंच के गमले में यूज किया हुआ है और मैरीगोल्ड के बहुत ही सुंदर ये देखिए फ्लावरिंग दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर गुलदावरी प्लस मैरीगोल्ड। नेक्स्ट गाइस ये मैरीगोल्ड प्लस एयर प्योरीफाई का है और ये भी मैंने यूज किए हुए। इसी के साथ गाइस मैंने मनी प्लांट की बेल यूज की हुई है, लगाई हुई है और ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। साथ में गाइस तुलसी पर भी फुटाव स्टार्ट हो गया है और ये देखिए। नेक्स्ट गाइस ये देखिए प्लांट्स कितना प्यारा प्लांट है और ये बहुत ही अच्छे से 12 इंच के गमले में ही बहुत बड़ा प्लांट हो रखा है और इसमें नई नई ब्रांच और नई नई शाखाएँ बहुत सारी हैं। इसी के साथ मैंने बेल लगाई हुई है येलो कलर की और इसमें येलो सूरजमुखी की तरह के फूल्स आते हैं और ये भी बहुत बड़ी बेल हो गई है। नेक्स्ट गाइस ये मैंने मनी प्लांट की बेल लगाई हुई है फिर से क्योंकि मैंने बहुत सारे गमलों में मल्टीपल प्लांट्स लगाए हुए जो कि मैंने कुछ कलम के द्वारा तैयार किए हुए, कुछ सीड्स के द्वारा तैयार किए हुए हैं। ये देखिए भी मैंने 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है। नेक्स्ट गाइस ये मैंने 16 इंच का गमला यूज किया हुआ है और 16 इंच के गमले में मैंने अमरूद का प्लांट लगाया हुआ है और जो कि अब आप देखोगे बहुत ही अच्छे से फुटाव स्टार्ट है और नई नई ब्रांचेज स्टार्ट हो गई है ये देखिए। नई नई रूट्स निकलनी स्टार्ट हो गई है। गाइस ये प्योरीफाई एयर फाइव प्लांट है और ये भी बहुत अच्छे से
बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। गाइस ये मैंने वेस्ट बकेट यूज़ किया हुआ है जो टूटी हुई है, और इसमें मैंने लगाया हुआ है सेम पापड़े की बेल, जो कि अभी ये फ्लावर्स इसमें स्टार्ट हो गया है और ये छोटे से पे ही फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। और इसी के साथ मैंने बेल लगाई हुई है, ये देखोगे बेल में भी बहुत अच्छे से फुटाव स्टार्ट हो गया है। मधुमालती की बेल बहुत ही प्यारी है और बहुत ही ज़्यादा इसमें शाखाएँ हो गई है, फुटाव भी चल गया है अभी। गाइस ये मैंने एलोवेरा लगाया हुआ है और एलोवेरा बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये मैंने 12 इंच गमले में यूज किया हुआ है। नेक्स्ट गाइस ये मैंने सीड्स के द्वारा मॉर्निंग ग्लोई की बेल है, और ये देखोगे मॉर्निंग ग्लोई की बेल बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है, और ये मैंने डिस्पोजल कप में मैंने सीड्स लगाया था, और ये सीड्स के द्वारा तैयार है। और अभी ये मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा दूसरे उसमें गमले में, बड़े गमले जो होता है, और ये बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग अब स्टार्ट हो गई है। इसी के साथ साथ मैंने बहुत सारे सीड्स लगाए थे जो कि कुछ चल गए हैं और कुछ अभी निकलने बाकी है। जैसे कि अभी देखोगे तो ये अभी सीड्स निकल गए हैं, ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ग्लोई का ही है, और ये सूरजमुखी का है, आप देखोगे तो सूरजमुखी का है ये सीड्स के द्वारा, और ये नेक्स्ट भी सूरजमुखी है, ये भी सूरजमुखी के सीड, सूरजमुखी के मैंने बहुत सारे सीड्स लगाए थे और वो जो कि जर्मिनेट हो गए हैं और बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। अब जो भी सीड्स मैंने मंगाए थे वो सीड्स मैंने लगाए डिस्पोजल कप में, डिस्पोजल कप से यूज करके, और उनमें अच्छे से ग्रोइंग करवा रहे हैं। नेक्स्ट गाइस ये मैंने तोरी का सीड्स लगाया था, और तोरी की बेल देखो हो गई है, और ये मैंने 4 इंच गमले में सीड्स लगाए थे और दो अभी जर्मिनेट हो गए हैं। साथ में ही मैंने जो पेंट का डब्बा होता है वो डब्बा यूज किया हुआ है, और उसमें घिया की बीज लगाए थे सीड्स जो होते हैं, और ये देखिए दोनों के दोनों जर्मिनेट हो गए हैं। कुछ में अभी जर्मिनेट नहीं हुए, आप देखोगे तो ये कुछ में जर्मिनेट अभी नहीं हुए, तो इनमें भी धीरे धीरे हो जाएंगे। गाइस जो भी मैं प्लांट्स लगाता हूँ या जो भी प्लांट्स मेरे पास अवेलेबल है, उन प्लांट्स में मैं देसी गोबर की खाद यूज करता हूँ, फर्टिलाइज़र, जो कि बहुत ही अच्छा, और मेरे प्लांट सभी प्लांट हेल्दी प्लांट हैं। गाइस मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी को, अगर आप भी अपने होम टेरेस गार्डन लगाते हो या करते हो तो उसमें देसी गोबर की खाद ही यूज करें। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी खादें होती है, कोई ऐसे बोलता है कि ये खाद अच्छी है वो खाद अच्छी है, पर गाइस सबसे ज़्यादा जो अच्छी मुझे, मैं तो आज तक अपने गार्डन में जो भी यूज किया है सिर्फ देसी गोबर की खाद ही यूज किया, और मैंने बहुत ही अच्छे से अपने सभी प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ग्रोथ किए हैं। मेरा कोई भी प्लांट्स गाइस अभी तक मरा नहीं है, जो कि लगाने के बाद अगर डेड हो जाता है प्लांट्स, तो आज तक कोई प्लांट डेड नहीं हुआ मेरे हाथों से, वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। मैं टाइम पर मैं पानी देख रेख और फर्टिलाइजर टाइम पर। और गाइस ये मैंने एयर प्योरीफाई प्लांट्स लगाए हुए हैं अपने जीने में, और इसी के साथ मैंने मनी प्लांट की बेल लगाई हुई है, और ये बेल बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है, ये देखिए आप बिल्कुल ऊपर तक का गई हुई है, और इसकी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ है। और ये मैंने 2 प्लांट्स लगाए हुए हैं एक ही उसमें, और ये मैंने 12 इंच का गमला यूज किया हुआ है, इसी के साथ देखूंगा ये कितना बड़ा हो गया, और ये मैंने 12 इंच का गमला किया यूज किया है, और मैंने सभी गमलों पे पेंट किया हुआ है मल्टी कलर में, ऑरेंज ग्रीन और वाइट। गाइस ये स्नैक्स का प्लांट है और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो किया हुआ है। साथ गाइस ये मैंने 16 इंच के गमले में स्नैक्स का प्लांट लगाया हुआ है, और साथ ही इसमें रेड फ्लावर्स के प्लांट्स लगाए हुए जो कि सीड्स के द्वारा तैयार हुए। नेक्स्ट गाइस ये प्लांट है, नेक्स्ट ये चंपा का प्लांट है, और ये बहुत ही अच्छे इस पर फ्लावर्स आते हैं वाइट कलर, अच्छे से ग्रो कर रहा है वाइट और येल्लो में चंपा, बहुत ही प्यारे फ्लावर्स आते हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग है, और अभी बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ है इसमें अभी। ये गुलाब के लगाए हुए मैंने देसी गुलाब, और देसी गुलाब भी बहुत अच्छे से
ये नेक्स्ट देसी गुलाब है और इस पर देखो कितने सारे फ्लावर्स के लिए निकले हुए हैं, नई नई ब्रांचेज, नई नई रूट्स, नई नई ब्रांच। साथ ही मैंने होम टेरिस गार्डन में वाटरफॉल जो मैंने होममेड थर्माकोल से बनाया था वो भी मैंने ऊपर होम टेरिस गार्डन में लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छे से वर्किंग में है। ये देखिए टोटली थर्माकोल से बना हुआ है ये जो ये शेप पत्थर शेप में जो बने हैं ये भी थर्माकोल से, और ये पानी में डूबेंगे नहीं, पानी के ऊपर ही तैरते हैं। ऐसे मैंने लाइट्स लगाई हुई है, कुछ मैंने ग्रास के पौधों को लगाए हुए हैं, साथ ही कुछ जानवर के वो लगाए हुए हैं। ये देखो कितना प्यारा माय होम टेरिस गार्डन। गाइस बहुत ही प्यारा लगता है ये और मल्टी कलर में है ये, जो भी मैंने खुद से बनाया है थर्माकोल से। आगे पीछे सारी जगह से बहुत ही अच्छे से मैंने डेकोरेट किया है, देख कितना अच्छे से डेकोरेट किया है, और ये बहुत ही अच्छे से वर्किंग भी है, और उसके जो पानी की खन खन है की आवाज़ है बहुत ही प्यारी है। ऐसा लगता है मानो जैसे कोई वाटरफॉल कहीं आप बाहर हो, और इसकी जो आवाज़ है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है, मन को शांति देने वाली है। ये देखिए गाइस कितना प्यारा और कितनी मधुर आवाज़ है, बहुत ही मधुर आवाज़ है, और मानो ऐसा लगता है कहीं हम झरने के नीचे बैठे हुए हैं या कहीं झरने के पास में बैठे हुए हैं और झरने की आवाज़ आ रही है। मन बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता है। हर फ्लोर से पानी बहुत ही अच्छे से, कितना साफ सुथरा पानी है, और जो मैंने पूरा टोटली थर्माकोल से ही बनाया है, बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है मेरा ये, और इसमें मैंने लाइट्स वगैरह लगा दी है। गाइज अगर आपको मेरा होम टेरिस गार्डन आपको बहुत अच्छा लगा हो तो गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए फॉर माय वाचिंग वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।